जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सही देखा और सही जगह पे आ गए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किसको मिल रहा है आपके पंचायत में, और कितना मिल रहा है, कितना मिल चुका, कितना बाकी है, और वो उसको इंदिरा आवास जो मिला है उसमें वो कौन सा फोटो दिया है, किसके घर का फोटो दिया, खुद का घर का फोटो दिया है, कब कितना रुपया आया, कौन सा बैंक में आया, सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में निकालना बताएंगे। उसके लिए आपको किसी भी आईडी का, किसी भी नंबर का कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको नाम से सर्च कर लेना है, ठीक है। तो कैसे कर पाएंगे, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। किसी के नाम पे कोई कोई भी योजना उठा लेता है, आवास योजना उठा लेता है, या एक एक आदमी को तीन तीन बार चार चार बार मिल जाता है। तो यही सब को लेकर गवर्नमेंट ने इसको जो इसकी जानकारी को जो मतलब कि वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, कि मतलब कोई भी जान सकता है उनके ग्राम पंचायत में किसको इस योजना का लाभ मिल रहा है, ग्राम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना यानी कि इंदिरा आवास, ठीक है। किसको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, ठीक है। सारा चीज़ आप ऑनलाइन नेट पे निकाल सकते हैं बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो आप भी जान सकते हैं, अगर आपके एरिया में गलत हो रहा है तो आप इसे रोक सकते हैं। जब तक आप सहायता नहीं करेंगे तब तक हमारे इंडिया से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। इसी को देखते हुए सरकार ने एक निर्णय लिया, जिस निर्णय के तहत सारी जानकारी को ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया है, ठीक है। तो चलिए आप जानते हैं किस तरह आप कर पाएंगे। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करेंगे, आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना है जीशान मोनिटर, आपको ये वाला लोगो मिल जाएगा, देख लीजिए ये लोगो, ये मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियो बना दी, जैसे कि सर्विस प्लस वेबसाइट से आवासीय जाति तो अभी बंद है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज का फोटो कैसे बनाएं, जमीन का केवाला कैसे निकालें ऑनलाइन, ठीक है, मेमोरी कार्ड कैसे भरे, बिहार राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें, बहुत चीज़ यहाँ पे मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया, ठीक है। इस चैनल पे आपको सभी तरह के सरकारी योजना, सरकारी जॉब और अदर वीडियो भी आते रहता है और आपको मिलते रहता है। तो चलिए वीडियो के मेन मुद्दे बाद, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इस वेबसाइट का लिंक दिया है, ठीक है। इस वेबसाइट पर आ जाना, यहाँ पर सभी दिया गया कौन सा स्टेट में कितना को पेमेंट कर दिया चुका है, ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया, कितना को रिजेक्ट किया गया, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे सिलेक्ट फिल्टर्स पे, यहाँ पे आपको ऑल स्टेट है, यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट का आपको रिपोर्ट देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको आपका जो भी जिला होगा उस जिला को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से और तभी आप समझ पाएंगे, पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, उसके जो भी आपका जिला होगा डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इस तरह, उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो भी ब्लॉक होगा उस ब्लॉक को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। आपका जो ब्लॉक होगा उस ब्लॉक को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, मतलब जिसका चेक करना चाहते हैं उसका जो ब्लॉक होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेटवर्क स्लो है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रखंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका आपका जो भी गांव होगा, ठीक है, अपने गांव को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना गांव सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको कैप्चर दिया गया है, जैसे यहाँ पे जोड़ना है 38 प्लस 90, ये जोड़ के आपने को लिखना है। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, घटाने का भी बोल सकता है, यहाँ पे अभी जोड़ने का बोल रहा है तो जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको जोड़ भी बता सकता है, यहाँ पे घटो भी बता सकता है, यानी कि माइनस करने के लिए यहाँ पे आपको बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो कर रहा है यहाँ पे प्लस के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम इस दोनों को प्लस करके जो भी इसका आंसर होगा इस बॉक्स में एंटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो जो भी हमारा आंसर इसमें दे देंगे, कैप्चर कर दिए, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन अलग से और भी, जैसे डाउनलोड एक्सेल में आप पूरे पंचायत का डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल में, और पूरा पंचायत का आप यहाँ से पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी पूरे पंचायत का लिस्ट आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे आप कीबोर्ड में प्रेस करेंगे Ctrl+F, Ctrl+F करेंगे, इस तरह एक ऑप्शन आपको खुल जाएगा, जो भी आपका नाम होगा कैंडिडेट का उस नाम को यहाँ पे आपको, जो भी नाम होगा उस नाम को यहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है।
ठीक है, जो भी नाम होगा उस नाम को यहाँ पे देंगे तो इस तरह का यहाँ पे देख पा रहे पीला लग जाएगा, जो भी आपका नाम सही नाम होगा। ठीक है, अगर आपका नाम से नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, इसमें सर्च कर लेना। ठीक है, अगर ये लिस्ट में आपको नहीं मिल रहा है, इसमें बहुत सारा दिया गया, अगर ये लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ तक में आप कहीं ना नाम मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसमें नहीं मिलता तो यहाँ पे आपको पेज रहेगा, मतलब नेक्स्ट पेज के लिए, तो यहाँ पे इतने इस पंचायत में इतना ही है इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसी का अगर निकालना है, मान लीजिए मैं इनका निकालूंगा मिसाल के तौर पे ये वाला, तो इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर ये वाला BH वाला ये रजिस्ट्रेशन नंबर देख रहे हैं, इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करना होगा आपको। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में आपको कुछ इस सेक्शन इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ आपको स्टेट रहेगा, आपका जिला का नाम रहेगा, ब्लॉक रहेगा, पंचायत रहेगा, आपका गांव का नाम रहेगा। ठीक है, और जो बेनिफिशियरी का नेम है, जो भी कैंडिडेट उनका नाम और उसका जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसके पति का नाम यहाँ पे मिलेगा, जेंडर और कास्ट यहाँ पे एज। ठीक है, तो यहाँ भी किस साल इसका है वो भी आपको मिल जाएगा, मनरेगा जॉब कार्ड नंबर भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, और कौन सा बैंक में इसके अकाउंट में रुपया आया, स्टेट बैंक के अकाउंट में रुपया आया। ठीक है, तीसरा चीज़ इसका भी नहीं आया है अकाउंट में रुपया की, ओके, ये भी वेरीफाई हो चुका है नहीं, अगर आएगा तो यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे इसका दिखा देगा। ठीक है, तो मैं एक ऐसा कैंडिडेट खोलता हूँ जिसका पेमेंट आ चुका है, वो वहाँ से मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो मैं दूसरे कैंडिडेट को ओपन कर लेता हूँ, तो चलिए हम एक ऐसा कैंडिडेट का यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे जिसका पेमेंट आ चुका है, इस पर क्लिक करने के न्यू टैब ओपन हो जाएगा, और न्यू टैब में कुछ इस तरह से इंटरफेस उसका रहेगा, पूरा नाम डिटेल वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो इसका जो ईयर ईयर शो कर देगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे जी इसको टोटल मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ पे इसको टोटल मिलने वाला 1,20,000 रुपये, जो कि इंदिरा आवास का जो पेमेंट मिलने वाला है, टोटल 1,20,000 इसको मिलेगा। ठीक है, और अभी तक कितना मिल चुका है यहाँ पे दिया गया, किस स्कीम के तहत मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यानी कि इंदिरा आवास के तहत 1,20,000 इनको मिलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इसको जो ऑर्डर हुआ है ऊपर से, एक पहला जो 50,000 का हुआ है, दूसरा जो 40,000 का ऑर्डर हुआ है ऊपर से। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर आने के बाद यहाँ पे इसका फर्स्ट जो है फर्स्ट पेमेंट जो 50,000 इनको पेमेंट कर दिया गया, जो कि 15 तारीख दुम्मा महीना 2018 को, 15/2018 को किया गया। ठीक है, फर्स्ट पेमेंट इसको 50,000 किया गया था, जो कि इतना तारीख को किया गया था, उसका FTO नंबर ये यहाँ पे दिया गया। उसके सेकंड किस्त जो यहाँ पे इसको 40,000 दिया गया था, और इसका जो उस डेट है यहाँ पे डेट दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे इसे 90,000 मिल चुके, और यहाँ पे इनको 1,20,000 मिलना है, अभी 30,000 इनको और बाकी है। ठीक है, वो भी तीसरा किस्त में यहाँ पे इसको मिल जाएगा, और यहाँ पे जो उनका फोटो है, जो भी फोटो उन्होंने दिया था, देख लीजिए यहाँ पे फोटो देख लीजिए, ये भी फोटो है। ठीक है, मैं फोटो भी क्लिक करके आप ये फोटो है, फोटो भी क्लिक करके आप यहाँ फोटो को व्यू इमेज कर सकते हैं, यहाँ फोटो को रोटेज कर सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैप भी दिया गया, मैप भी देख सकते हैं नक्शा। ठीक है, और यहाँ पूरा दिया गया है, इस तरह यहाँ पे इमेज और कितना पेमेंट मिलने वाला था, कितना मिल चुका है, कितना बाकी है, इस तरह चीज आप बिना किसी नंबर का सिर्फ नाम से आप पता कर सकते हैं, उसका मनरेगा आईडी कार्ड नंबर, जॉब कार्ड नंबर, सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसी तरह आप भी अपना चेक कर पाएंगे अपनी ग्राम पंचायत का कि किसको मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, और सही क्या है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात, अगर सही नहीं है तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, ताकि धीरे धीरे भ्रष्टाचार दूर होता जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में या किसी अन टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके अपने इस YouTube चैनल पर।